आज के इस वन ब्लॉक की सीरीज में हम लोग जा रहे हैं बनाने अपने लिए एक खुद का कस्टम मेडिवल विलेज। और भाई जो एंड रिजल्ट निकला है ना उसे देख के तो तुम लोग बस एक ही चीज कहोगे। साथ में मैंने अपने बेकार से दिखने वाले आइलैंड को एक बहुत ही ज्यादा अच्छी लुक भी प्रोवाइड करी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें सबसे पहले 2000 ब्लॉक्स तक माइन करके पहुंचना है। उसके बाद हमें ढेर सारा वुड और कोबल स्टोन कलेक्ट करना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग 2000 ब्लॉक्स तक पहुंचने की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो भाई फाइनली यार 2000 ब्लॉक्स हो गए, मतलब मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं इतने बार क्लिक करने से। वेल हमने एक छोटा सा माइनिंग एरिया भी बना लिया जो कि काफी अच्छा लग रहा है। अभी मुझे दो विलेजर्स भी मिल गए, अभी इन्हें हम फ्यूचर में ब्रीड करेंगे। तो क्योंकि हम लोग का बैडलैंड वाला फेस स्टार्ट हो गया था तो बहुत ढेर सारे टेराकोटा मिले हैं। और हाँ, साथ ही में मुझे ढेर सारे नेम टैग मिले, तो तुम लोग कमेंट में जाके अच्छे अच्छे नाम सजेस्ट करो मेरे पेट के लिए जो कि फ्यूचर में मिलेंगे। सेकंड थिंग सेकंड, हमें ढेर सारे वुड की जरूरत है ताकि हम लोग माइन कर पाए। मतलब अभी मुझे ढेर सारे स्प्रॉस वुड की जरूरत है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है हर बिल्ड में। सो लेट्स स्टार्ट। ओ भाई, इस पेड़ को तो काटते काटते मेरी हालत खराब होने वाली है। तो भाई अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 6 स्टैक ऑफ वुड हो चुके हैं जो कि मोर देन इनफ है। और अभी मुझे अपने बिल्ड के लिए ढेर सारा कोबल स्टोन भी चाहिए, तो चलो जल्दी से इसे भी कलेक्ट करते हैं। और अभी मैं अपने डायमंड पिकेक्स को यूज नहीं करूंगा, नहीं तो ये तुरंत ही चित बोल जाएगा। हम लोग अपनी आयरन की पिकेक्स यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वेल जब तक मेरा कोबल स्टोन माइन हो रहा है, मैं आप लोग से एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग में से बहुत लोग को लगता है कि मैं अपनी वीडियो में क्रिएटिव यूज करता हूं, तो ऐसा नहीं है। इसी नाते इस वीडियो में मैं एक एक प्रोसेस दिखा रहा हूं। और भाई एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जो कि मैंने अभी देखी। मेरा छोटा भाई वन ब्लॉक देखना चाहता था तो मैं उसे अपने वर्ल्ड में बुला लिया था, और पता नहीं कैसे उसके आने से मेरा जो ब्लॉक काउंटर था वो एकदम रीस्टार्ट हो गया। और यार अब मुझे वापस से फेज वन से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट इसमें एक चीज अच्छी ही हो गई, अब कम से कम हम लोग को ढेर सारी डर्ट मिल जाएगी क्योंकि इस प्रोजेक्ट में डर्ट ही का बहुत ज्यादा काम है। तो भाई चलो थोड़ा देर यहाँ पर लगातार माइन करते हैं और ढेर सारी डर्ट को इकट्ठा कर लेते हैं। तो अभी मैंने अपने छोटे से अगली प्लेस को बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल कर लिया है। एंड ट्रस्ट मी भाई, मैंने इसका भी टाइमलेस रिकॉर्ड किया था पर पता नहीं कैसे वो डिलीट हो गया। तो उस डिलीटेड टाइमलेस में बस मैंने इस छोटे से एरिया को बनाया था और कुछ नहीं। और इस बारी जब मैं वापस से स्टार्ट किया था तो मुझे जो केव्स में बैट वैट मिले थे उन सबको मैंने यहाँ पर क्लेम कर लिया है। एंड डोंट वरी, हमारे गुलाम विलेजर्स यहाँ ऊपर है। तो लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग आवर मेडिवल विलेज।
भाई मैं लिटरली झूठ नहीं बोलूंगा, रात के 12 बजे बैठा था और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं भाई। इतने पूरे जगह को डिजाइनिंग करने में बनाने में तो मेरी हालत खराब हो गई। आप लोग के लिए ये बस एक 2 मिनट का टाइम लैप्स है, पर मुझसे पूछो मुझे इसे बनाने में कितना ज्यादा टाइम लग गया। और भाई ये जो तुम पाथवे देख रहे हो ना, बस इसे बनाने में मुझे 2 घंटे लगे थे। तो भाई इस घर की डिजाइनिंग करने में मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया, क्योंकि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत ढेर सारे अलग अलग ब्लॉक्स यूज किए हैं, पर जो भी हो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। घर के इंटीरियर में मैंने बस थोड़े से बैरल्स, क्राफ्टिंग टेबल, फर्नेस और बेड वेड ही लगाए विलेजर्स के लिए। और भाई ये जगह इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है ना कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, सारे घर का इंटीरियर मैंने सेम रखा है, क्योंकि घर भी भाई मैंने उतने ही साइज के बनाए हुए हैं, क्योंकि इससे ज्यादा मेरी सोच नहीं चल रही थी। और ये दोनों हम लोग के एकदम सेंट्रल हाउस है। और भाई इस वाटरफॉल को जस्ट मुझे बनाने में 2 आवर्स लगे थे, क्योंकि मैं इसमें एकदम नेचुरल बिल्ड देना चाहता था, जो कि मैंने कुछ हद तक दी भी है। तो मुझे फिश तो मिली नहीं थी, तो मैंने ड्रिपलिप यहाँ पर लगा दी और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। खैर अभी देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं कितना बड़ा प्रो हूँ। मतलब यहाँ पे मैंने ड्रिपलिप जानबूझ के लगाया था ताकि हम लोग पार्कोर कर सके, और हाँ बस ऐसे प्रो बंदे ही कर सकते हैं मेरी तरह। तो भाई इस वीडियो का हम लोग लाइक एम रख रहे हैं ओनली 1 लाइक, तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर दो, क्योंकि भाई जो हम लोग फ्यूचर में बिल्ड लाने वाले हैं ना उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। और हाँ मैं एक और बात बताना चाहूंगा यार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, इससे आप लोग मेरी वीडियो थोड़ा सा जल्दी देख पाएंगे। तो भाई जिसका कमेंट इस वीडियो पर सबसे बेस्ट रहेगा उसका नाम मैं अलग से एक बड़ी सी स्पेस बना के लिखूंगा। और अब चलो हम लोग मिलेंगे ऐसी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।